सर के लो वेर हेडिंग के लो हेडिंग राउंडली हेड वेरी गुड देखो काउंटर से वो जैसे बैक मूड मोहर साइड ले चढ़ो मत तुम आने दो उसको वेट करो इस समय मौजूद हूँ कुशीनगर के कसिया नगर में और हमारे साथ जो है ताइक्वांडो के कोच हैं दीपक जी हमारे साथ। हम इनसे जानेंगे बच्चों को किस तरह से प्रशिक्षण देते हैं। बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है? थैंक यू, दीपक कुमार मद्देशिया। किस तरह से ताइक्वांडो का आप प्रशिक्षण कर रहे हैं? अब पहले तो हमारे स्कूलों में ट्रेनिंग चलती है, अदर स्कूलों में जैसे नवजीवन स्कूल या सेंट जेवियर्स स्कूल, पिता इंटरनेशनल, अदर कस्या में बहुत ढेर सारे स्कूल हैं जिसमें हमारे अलावा भी हमारे कोचेज जाके ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर जो अपना प्राइवेट सेंटर है वो कस्या के एक सफा रोड पे है और दूसरा सेंट जेवियर्स के कैंपस में है, जहाँ इवनिंग में 4 से 5 और 5 से 6:30 दो बज का ट्रेनिंग चलता है। मॉर्निंग में योगा क्लासेज चलते हैं और पिछले 13 सालों से मैं ट्रेनिंग का कार्यभार संभाल रखा हूँ और यहाँ के बच्चे डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक जाके खेलते हैं। कहाँ से मन में आ गया जी? एक्चुअली सही पूछे तो कहीं ना कहीं से इस गेम को मैं जानता तक नहीं था, लेकिन एक इस तरह की घटना मेरे सामने घटी और मैं यहाँ से निकल के गया बाहर गोरखपुर और फिर जीहन में मेरे आया कि लड़ाई करने का बचपन से शौक था, तो सोचा कि एक ऐसे पर्सन से हमारी मुलाकात हुई, उसको देव कहा जाएगा, देवता सामान्य मेरे लिए, उन्होंने यही कहा कि अगर लड़ना ही है तो ऐसे जगह पे क्यों नहीं लड़ते हो जहां मेडल मिलता हो, और ये बातें मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया और उसके बाद से मेरा वहीं से रास्ता शुरू हुआ और आज तक मैं लड़ ही रहा हूँ। कितने बच्चे हैं अभी तक? ताइक्वांडो एसोसिएशन कुशीनगर में अभी मुझे लग रहा है करीब करीब 450 से अबव प्लेयर है इस डिस्ट्रिक्ट में, और ट्रेनिंग देने की जहां तक बातें हैं तो अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तहत मैं 10,000 से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुका हूं। क्या लग रहा है आगे बच्चे और बच्चियों को किस तरह से संदेश देंगे? मुझे लगता है कि गर्ल्स को और इनके पेरेंट्स को बहुत सोच समझ के अपनी बच्चियों को इस आगामी आगे आने वाले समय को देखते हुए अपनी बच्चियों को इस युग में तो मार्शल आर्ट बिल्कुल ही सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चियां केवल अब घर में कैद नहीं हैं, बच्चियां आज पायलट बन के हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, तो इन बच्चियों को पायलट बनने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, किसी भी तरह की पढ़ाई करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए उनके साथ एक आत्मविश्वास बन के हथियार की तरह से हमेशा रहेगा मार्शल आर्ट। ताइक्वांडो एक ऐसी विधा है जो केवल आपको सेल्फ डिफेंस के लिए ही नहीं ट्रेंड करती, अभी तो मुझे लगता है कि आपके फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है,
कोविड के टाइम में लगभग लोग कोविड से डर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से डर तो हम लोगों को भी था, लेकिन एक यूनिटी पावर की बात आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि हम खिलाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा था और इसके वजह से हम लोगों को कहीं से डर नहीं लग रहा था। और आज के डेट में हम लोग केवल गवर्नमेंट के द्वारा ये सुनते हैं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन स्वच्छ भारत की तरफ तो हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य की तरफ बहुत कम। मुझे लगता है कि हर घर की यह व्यवस्था है कि 50% से अबव अर्निंग उनकी चली जाती है मेडिसिन में, और मेडिसिन को अगर घर से दूर रखना है तो मुझे लगता है कि आपको फिजिकल से जुड़ के ही रहना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, मार्शल आर्ट, ये सब इंक्लूड करके रखने होंगे, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। हमारे साथ मौजूद है एक और यहाँ बच्ची मौजूद है ताइक्वांडो के, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? श्वेता वर्मा। कहाँ से मन मांग गया कि आप ताइक्वांडो के इस समय ट्रेनिंग कर रही हैं? सर, मैं ब्लैक बेल्ट सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट हूँ, और मैं इस टाइम अब पिछले 8 सालों से ताइक्वांडो में लगी हुई हूँ। और मैं जब ताइक्वांडो शुरू की तब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी स्कूल में, तब सर स्कूल में ज्वाइन किए थे, वो वहीं सिखाते थे। तो स्कूल में करते करते फिर अपना ये क्लब स्टार्ट किए, एसोसिएशन बनाया, फिर मैं क्लब में आना शुरू कर दी। अन्य बच्चों को क्या कहेंगी? अन्य बच्चों से यही कहूँगी कि मार्शल आर्ट सीखें, अपने भविष्य के साथ इसको भी रख, उसके साथ चलें मार्शल आर्ट। क्या नाम आपका? मनीषा कुशवाहा। क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि मतलब आजकल लड़कियाँ कहीं भी सेल्फ डिफेंस मतलब सुरक्षित नहीं है, तो दुनिया किसी भी कोने में सुरक्षित रहने के लिए इनको सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहूँगी कि सारे पेरेंट्स कि अपने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, और मतलब इसके लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। कितना दिन से आप सीख रहे हैं? कुछ 6 साल हो गए। जी आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम संजना श्रीवास्तव है, मैं ताइक्वांडो से सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट हूँ और एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हूँ। अन्य जो गार्जियन हैं बच्चों के, उनको क्या कहेंगी आप? सर, मैं वैसे तो ताइक्वांडो को लेके यही कहना चाहूँगी कि ये एक सेल्फ डिफेंस का बहुत अच्छा माध्यम है, और आज की लड़कियाँ जो भी हैं बहुत असुरक्षित हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं अपनी बच्चियों को बाहर भेजूँ और अच्छी शिक्षा दूँ। वहाँ पर तो पेरेंट्स तो रहते नहीं हैं, लेकिन उन बच्चियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सेल्फ डिफेंस की कला ज़रूर सीखनी चाहिए। और मैं इसके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्ची को 1 क्लास कम पढ़ाएं, लेकिन उनको आत्मरक्षा का हुनर जरूर सिखाएं। तो हमारे साथ थी बच्चियाँ, इनका साफ तौर पे कहना है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये ताइक्वांडो भी ज़रूरी है। सुनील यादव, JK न्यूज़, कुशीनगर।